बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल सर क्या कर रहे थे आप? काम कर रहे थे ऑब्वियसली, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे आज का दिन कैसा गुजरा? आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बेहतर जा रहा है। काम कैसा जा रहा है टीम का? टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जस्ट लाइक लास्ट मंथ जैसे हमारी रेवेन्यू रही है। अभी भी जो लड़के हैं काम कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई हैं इस दफ़ा भी रेवेन्यू जनरेट करने की। वैसे बिलाल सर आपको कितना अर्सा हो गया इस कंपनी में? मैं तो कंपनी के साथ पायनियर्स में से हूँ। पेशावर जो ऑफिस बना है डे फर्स्ट से मैं इधर ही हूँ उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट पोजीशंस पे मैं अपनी ड्यूटीज कर रहा हूँ और राइट नाउ एज अ जोनल मैनेजर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। वैसे चाय या कॉफी? चाय। वो तो नजर आ रहा है सर। वैसे फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट फूड जो है मेरा वो सी फूड के हवाले से अगर आप पूछते हैं तो मुझे ग्रिल फिश बहुत पसंद है। ट्रेडिशनल फूड्स में मुझे जो पुलाव है वो बहुत पसंद है, और बाकी तो आपको पता चल गया है कि चाय जो है वो मेरी फेवरेट है। चाय तो चाय है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वैसे इन सब के साथ साथ चैलेंजेस क्या क्या है आपको यहाँ पे? चैलेंजेस जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास राइट नाउ 80 पीपल हैं जो मेरे साथ मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एंड एज यू नो कि पीपल मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसको आप कर सकते हैं इजी अपने लिए, आप डिफरेंट पोजीशन दे सकते हैं लोगों को, जैसे आप मैनेजर्स को रख लेते हैं साथ में, आप टीम लीड्स रख लेते हैं, तो वहाँ से आपको मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बाहर मेरी टीम बैठी हुई है। वैसे बिलाल सर इन सबको हैंडल करना कितना मुश्किल है? हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि इसको आप इजी बना सकते हैं, आप टीम में डिफरेंट पोजीशंस दे के लोगों को, और उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को देते हैं आप, मौका मिलता है हर किसी को, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको इस मार्केट में, जहाँ पे आप एस्ट्रेस मार्केटिंग में आपके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।